So in solidarity with all the students all over India speaking all different languages, we decided that we will come out in support of all our students out there and voice our dissent. NRC कर रहे हैं, CA कर रहे हैं, लेकिन अगर देश के लोग को डर लग रहा है कि वो लोग ही निकल जाएंगे तो पूरा देश खाली हो जाएगा, सबको बुला लो. That we are united against the fascist government who is trying to turn their democracy into a dictatorship. So our demands from the students of Bangalore mainly was instigated after Jamia and JNU. Jamia ke baad hum logon ne student community ne decide kiya tha ki students ke against atrocity ho raha hai. Students jab apni democracy mein apni voice jab project karna chahte hai to jo state se Delhi police se at least UP police se unke against jo attack ho raha hai ye students ke liye hum log ko sahi nahi laga. As students when we study we feel like we should practice our education. Without practicing education there is no democracy. If we are taught that the constitution says this, Gandhi ji says this, Ambedkar says this, Chandrashekhar Azad ne aisa kiya, Bhagat Singh ne aisa kiya, lekin jab students ka baat aata hai unko history padhate hai, unko civics padhate hai, unko political science padhate hai, lekin jab unka time aata hai ki wo log country ki taraf country ke towards country when they want to contribute then they are cut off. They are पेरेंट्स को फियर होता है, टीचर्स को फियर होता है, गवर्नमेंट से प्रेशर आती है कि आइदर सेफ्टी हो या फिर कि ये बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि तुम लोग स्टूडेंट्स हो, तुम लोग को पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो. तो एज अ स्टूडेंट कम्युनिटी आर ओनली पॉइंट वॉज दैट वी एज एजुकेटेड स्टूडेंट्स ग्रेटफुल टू द कंट्री दैट हैज प्रोवाइडेड दिस एजुकेशन एंड दिस अपॉर्चुनिटी शुड बी अलाउड एंड शुड हैव द स्पेस टू वॉइस आर कंसर्न्स, टू वॉइस आर डिसेंट, बिकॉज टुमारो वी विल ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेजेस, फ्रॉम स्कूल्स एंड वी विल गो टू वर्क. We'll be journalists, doctors, even UPSC officers and all that. So what is the role of a student in a country? What is the role of the future of the country? So students decided to come together and it's not just in Bangalore, it's happening all over India. So in solidarity with all the students all over India speaking all different languages, we decided that we will come out in support of all our students out there and voice our dissent. अब जो JNU में हुआ जी सर, उसको देखकर आप लोगों को क्या कहीं डर लगता है? सर जितना डर लगता है उतना होप भी आता है, क्योंकि जब डर लगता है तभी लोग निकलते भी हैं. वो लोग अपने सबके अंदर डर हुआ है, पहले से था, बहुत पहले से बढ़ते रहा है. इवन इमरजेंसी के टाइम पहले जब हुआ था तब भी स्टूडेंट्स को सेम डर लग रहा था. तो हम लोग को ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटिकल पार्टी सही है, ये पॉलिटिकल पार्टी गलत है. गलत ये बात है कि जब एक डेमोक्रेसी है, इंडिया का कंट्री है, उसमें स्टूडेंट्स का जो वॉइस है उस पर दबाव नहीं आना चाहिए. एक्टिविस्ट लोग अपना लड़ाई लड़ते रहे हैं, पॉलिटिशियंस लोग अपना करते रहे हैं जो करना है, लेकिन स्टूडेंट्स लोग का जो वॉइस है वो हर जगह में हर फाइट में कोशिश करते हैं कि सही बात के लिए जाए आगे. तो JNU को देख के डर तो लगता है कि जब स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं कि हम लोग ये सिर्फ बैठते हैं पीसफुली सत्याग्रह करते हैं, अभी ऐसा हो रहा है कि पूरे देश में लोग प्रोटेस्ट भी वर्ड नहीं यूज़ कर रहे, सबको कह रहे हैं कि ये सत्याग्रह है. लेकिन उसके अगेंस्ट जब दिल्ली पुलिस, जब कोई भी पुलिस आके ये मंगलुरु में हुआ, ये यूपी में हुआ, ये अहमदाबाद में हुआ, कि पुलिस हो या फिर गुंडे हो, मुझे नहीं पता वो कौन से पार्टी के हैं, कौन से अफिलिएशन के हैं, वो कौन सा वर्दी पहनते हैं, लेकिन वो आ रहे हैं और एक स्टूडेंट कम्युनिटी जो अपने आप को विदाउट फियर आइडेंटिफाई कर रही है, वो लोग डर के छुप के उनके अगेंस्ट अटैक कर रहे हैं. ये किसी को हजम नहीं होगा, स्पेशली क्योंकि हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कुछ लोग हैं जिनके पेरेंट्स बोलेंगे स्टूडेंट्स कम्युनिटी में कि तुम लोग अच्छे से पढ़ लो, अच्छा जॉब कर लो, निकल जाओ. क्यों निकले, हमारा देश है, किसी को तो रहना पड़ेगा. NRC कर रहे हैं, CA कर रहे हैं, लेकिन अगर देश के लोग को डर लग रहा है कि वो लोग ही निकल जाएंगे तो पूरा देश खाली हो जाएगा, सबको बुला लो. तो फिलहाल JNU को देखकर डर भी लगता है, लेकिन जब JNU के अगेंस्ट स्टूडेंट सब जगह से निकलते हैं तो उतना ही होपफुल भी लगता है. हिम्मत नहीं टूटती, हिम्मत नहीं टूटेगी सर. अभी वो लोग जितना दबाव डालेंगे उतना प्रेशर इधर से भी मिलेगा. सो टुडे since yesterday since 6 p.m. we have been gathered here. There have been thousands of people coming, they've been staying overnight. Some of them have stayed since last evening till now. They're going to stay till today evening also. We are protesting because the government has stopped listening to us. They're not we're coming out on the streets protesting. They're saying no, we're not going to listen to you, but we're going to show them our strength against the CAA, the NPR, the NRC, the trans bill. We want to free Kashmir as well, all of us together. Everything the movement intersects, we cannot leave anybody out. All of us come together, understand each other, learn new things, learn
why people are protesting. Everybody has a different reason for protesting, but the cause is one that we're united against the fascist government, who is trying to turn their democracy into a dictatorship, and we're absolutely against that. All of us stand united together against it. We will not back down until we win this fight. अरे हम क्या चाहते आजादी अरे जोर से बोल लो आजादी अरे हम क्या चाहते आजादी अरे राष्ट्र से आजादी अरे अभी विपक्ष से आजादी अरे हिंदू राष्ट्र से आजादी अरे नकद राष्ट्र से आजादी अरे नाशी से आजादी अरे सीए से आजादी अरे तुम ना दोगे आजादी अरे तुम ना दोगे आजादी हम ठीक चलेंगे आजादी ये हक Thank you.